बस ये कुछ चीजें और आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों आज हम लाया एक छोटा सा घरेलू नुस्खा जिससे आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। दोस्तों इस जमाने में दांतों की समस्या बहुत आम है। आजकल बहुत से लोग दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि दांतों का पीलापन, दांतों का गिरना, दांतों का सड़ना, दांतों का कालापन, दांतों में कीड़ा लगना और भी बहुत कुछ। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि वो कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल। दोस्तों कुछ फैमिली में दांतों की समस्या जनरेशन टू जनरेशन रहती है। दोस्तों कभी कभी रात में इतना भयानक दर्द होता है कि आप सोच नहीं सकते। ये दर्द वही महसूस कर सकते हैं जो पहले उस दर्द से गुजर चुके हों। आपने इससे भी पहले बहुत सी वीडियो देखी होंगी दांतों के लिए, दांतों को कैसे चमकाया जाए, कैसे मोती जैसा बनाया जाए। आपने और आप में से बहुत लोगों ने उसे ट्राई भी किया होगा पर उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दोस्तों जो हमारे कई साल पुराने आयुर्वेदा किताब अष्टांग रिदम, जो भागवत ऋषि जी के द्वारा लिखी गई है, दोस्तों इसके मुताबिक हम आपके लिए एक ऐसा छोटा सा घरेलू नुस्खा लाए हैं जिसे आप अपने दांत मोती की तरह चमकाएंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। दोस्तों आपको इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको चाहिए टूथपेस्ट जो कोलगेट या सेंसोडाइन हो, और आपको चाहिए नमक, लहसुन जिसे गार्लिक भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा और लौंग पाउडर जिसे क्लोव पाउडर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है और आपको दिन में इसे कितनी बार यूज़ करना है, और इसके बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएँ जो आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम कोलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपको सिर्फ एक मटर के दाने जितना कोलगेट लेना है। दूसरे नंबर पे आपको लेना है एक चुटकी नमक। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए लहसुन का पेस्ट जिसे आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। दोस्तों लहसुन सिर्फ आपको 2 मटर के दाने जितना लेना है। दोस्तों हम लहसुन को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत सी ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड का इस्तेमाल करते हैं उनके दांत काले और सड़ना शुरू हो जाते हैं। उनके दांतों से ये पीली परत और उनके कालेपन को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चौथे नंबर पे आपको बेकिंग सोडा लेना है जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों आपको इसकी मात्रा सिर्फ आधे चम्मच से भी कम लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आधे चम्मच से कम आपको बेकिंग सोडा इसमें डालना है। 5वें नंबर पे बारी आती है लौंग के पाउडर की। दोस्तों आपको इसमें सिर्फ 2 चुटकी लौंग का पाउडर लेना है और आपको पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाना है जिसमें ये भी लम्स ना रहे। दोस्तों लौंग का पाउडर दांत के दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है जिससे आपके मसूड़े एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपना हमें प्यार दें। नमस्कार, कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। थैंक यू।